दोस्तों नमस्कार, फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं सुर्खियों पे एक नजर। सावन माह के तीसरे सोमवार पर कालकाजी मंदिर दिल्ली के अलावा देश के कोने कोने में शिवालयों और मंदिरों में पूजा अर्चना की गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर के दरवाजों पर जुटी गई। बिहार के हाजीपुर जिले के सुल्तानपुर गांव में डीजे के विद्युत तार की चपेट में आने से 8 लोगों की मौत हो गई। डीजे अधिक ऊंचाई होने के कारण यह घटना घटी। हिमाचल प्रदेश रामपुर में 1 अगस्त को हुई बादल फटने की घटना के बाद रामपुर के समेज गांव में राहत और बचाव कार्य आज भी जारी। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच और सैनिकों की तैनाती करेगा अमेरिका, व्हाइट हाउस ने दी विशेष जानकारी। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ से अब तक 13 लोगों की मौत, करीब 40 लोग लापता। दिल्ली में कोचिंग हादसा, बेसमेंट में सह मालिकों की जमानत याचिका पर आज कोर्ट में होगी सुनवाई। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों और सत्तारूढ़ पार्टी समर्थकों के बीच हुई झड़प में अब तक 100 लोगों की मौत, सैकड़ों घायल। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने की 5वीं सालगिरह आज। नासिक में भारी बारिश के कारण गोदावरी नदी खतरे के असर से ऊपर पहुंची, बाढ़ जैसी हालात बरकरार। वायनाड में लैंडस्लाइड में जान गंवाने वाले लावारिस समूह को प्रशासन ने किया अंतिम संस्कार। फटाफट खबरों में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।